तीर्थ पाठ चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, जाय तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। क्या बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ की यात्रा के सफर में जो जाता है उन भक्त, कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझ जानी, वो तो जन्म जन्म उलझ गया, इतने पाप कट्ठे कर लिए उसने, इतने जीव मार दिए। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर है, आते जाते अरबों प्राणियों को मार डालते हो, पर भी लेन जाते हैं दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहते हैं वहां पर भी लेन जा है गंगा, उस पर तीर्थ पर जहां पर भी लगती है कुंभ के मेले में, और मारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। पुणात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी ज्ञान वाली आंखियां बढ़ जाएंगी, फिर हमारे को ये भोली आत्माएं जो आन उपासना करते हैं वो कति बालक दिखाई देंगे, जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, ऐसा नजर आएंगे। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पढ़ है भारम, गंगा जमना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर गंगा में जाइयो, और तो कहते गोते एक गोते में, जैसे डुबकी डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पढ़ है भारम, गंगा जमना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा लिए, चाहे गंगा जमुना में जाना, वहां तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कटे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कटे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मन से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहाँ ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते इसे गुरु का तो जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो गर्दन पर मारे जूत। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बद्री बोध सुनो चितलाई। कोई तो पे हुआ में, या पे हुआ एक तीर्थ है यहाँ अम्बा, इसमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पेवा, वहाँ से हमारे बहुत से भक्त आते हैं। कहते हैं पिंड पे होवा भौतक जाई, बद्री बोध सुनो चितलाई, सूरज कर स्नान हजूमम, अंतकोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जूनी छूटत है लोई। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम पिंड दान करते हो उससे मोक्ष नहीं होगा, उससे भूत जूनी छूट जाएगी, गदा बन जाएगा, बता के मुक्ति कराएगी उसकी। भूत जुनी जा छूटे है पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कह है भाई ना मिले भगवंत। इस तरीके से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। जगन्नाथ जो दर्शन जाई, काली प्रतिमा भवन कह माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं काली प्रतिमा, काली काली ही मूर्ति दे रखी उस भगवान, उस भवन के माही, उस मंदिर में। वह जगदीश ना पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। जगन्नाथ का अर्थ है जो पूरे विश्व का मालिक, पूरे ब्रह्मांडों का स्वामी, तो वो जगन्नाथ तो कबीर परमेश्वर है, और वही उसी की शक्ति से सभी जीव क्रियवान है, उसी की शक्ति से ये सब बोल रहे हैं, नहीं तो जीव चल भी नहीं सकता, ये मिट्टी चल नहीं सकती। उस मालिक की कृपा से उनके द्वारा निर्धारित समय तक ये मिट्टी चले भी गिर बोल लेगी। कहते वो जगन्नाथ ना पावे जो इस शरीर में बोलन लाग रहा है, उसकी शक्ति से जीव चल रहा है,
यानी जैसे मोटर चलती है तो मोटर के साथ बिजली की पावर जो है वो साथ कनेक्टेड है, तभी तो चल रही है। तो ऐसी थर्मल प्लांट कहाँ है, बिजली काम कहाँ कर रही है, ऐसे परमात्मा सतलोक में साकार है, उसकी पावर हर जीव की मोटर में आकर काम कर रही है, ऐसे वो अंतःकरण में परमात्मा को जानो। गोमती और गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब असनाना। तो कहते हैं गोमती और गोदावरी में झावे हैं, कहते 68 तीर्थ का फल एक ही तीर्थ में बतावे हैं, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। जिन्होंने परम संत तत्वदर्शी संत की पूजा नहीं की, उनका ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उनके सब साधनाएं व्यर्थ होती हैं। कोट यज्ञ अश्वमेघ कराई, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गु नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। कहते हैं करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करें और परम संत की कहते हैं संत चरण रज सम नाही तुलाही, संत के चरण की धूल के बराबर भी वो नहीं है, क्योंकि संत के चरण की धूल उनको मिलेगी, क्योंकि जो संत के पास आवेंगे फिर वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे और फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो संत परम संत के बिना, तत्वदर्शी संत के बिना ये सब तीर्थ और ये अश्वमेघ यज्ञ भी व्यर्थ है। कोट गऊ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही। करोड़ गऊ रोज दान करे और उसके स्थान पर एक पल भी संत का संग कर ले, ना जाने कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाता है प्राणी का।